और जिनका प्रैक्टिकल है उनका हालत खराब हो गया, मेसिन में दिक्कत हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इनमें से ऑलरेडी खराब हो गया, दो बाकी है, दो बाकी है, वो मैं खराब कर देंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 8:40 टाइम हो रहा है और मंडे है, तो मैं निकल चुका हूँ कॉलेज के लिए, क्योंकि 9:30 से आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम है, जल्दी पहुँचना है। मैं फिलहाल यहाँ से सीधा चलूँगा पुल में, पुल से फोटो पकड़ूँगा अंडाल मोड़ में रनित के साथ में सीधा कॉलेज, तो निकलते हैं, चलो जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, कुल मिला के 20-50 टाइम है, थोड़ा सा चेंज है गाइस। ये सामने पानी देख रहे हो, इसके ऊपर से तैरते हुए मुझे पहुँचना है अभी पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास में। रौनिक उधर से आ रहा है, अंडाल मोड़ पहुंच गया था तो वो उधर से इधर आ रहा है, तो मुझे बीच से पिकअप कर लेगा। अभी बस पोस्ट ऑफिस मोड़ जल्दी पहुंच जाऊँ मैं पानी के ऊपर से। 9:15 टाइम हो गया है और कॉलेज में पहुंच गया हूं। और आज मेरा गली देखो कितने स्टूडेंट्स आए हैं एग्ज़ाम के लिए, और सारे स्टूडेंट्स आज थोड़ा सा प्रेशर में है, बस इसको छोड़ के बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है ना भाई। कल के आ जाएगा जिले, हाँ देखो 3 काम से लौट कर फिर उसके बाद आज एग्जाम देने के लिए भी आ गए, अलग ही टैलेंट है। और सर लोग भी आ गए हमारे, 9:30 से एग्जाम है ना, तो अभी 9:15 के अंदर सर भी आ गए, दोनों सर अंदर है। अभी क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है, दिल्ली से क्वेश्चन पेपर आता है, वो 9:30 ही आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या प्रैक्टिकल करना है। और आज शायद सभी का होगा नहीं, आज 6-7 स्टूडेंट्स का हो जाएगा, ठीक है, पता नहीं है, क्योंकि मैं भी पहली बार दे रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करेंगे तभी पता चलेगा। सेकंड ईयर में शायद पहले से पता होगा, फर्स्ट ईयर में तो पहली बार है। अभी बस सबके साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, वो सब कर लेते हैं थोड़ा सा, और सर के पास चलते हैं। मैं एम्स भी बैठ गया, इधर भी और वहाँ पर सर प्रेजेंट ले रहे हैं और मेटल दे रहे हैं जिसमें काम होगा माइल्स के। आज 11 स्टूडेंट्स का होगा, उसके बाद कल होगा, आज और कल दोनों दिन है भाई भाई प्रैक्टिकल का, उसके बाद फिर किसी भी दिन आओ प्रैक्टिकल करो, ऐसा बात है। अभी सामने सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं जॉब लेने के लिए, मैं भी सोच रहा हूँ आज लेके कंप्लीट कर दूँ, जॉब सीट लिखना कंप्लीट, और 2-3 स्टूडेंट्स का और भी हो गया। और ये जिन लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं इन लोगों का तो जॉब सीट बाद में लिखा जाएगा, ये लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमारा कब होगा पता नहीं, कल शायद मिल सकता है, मौका नहीं भी मिल सकता मुझे, मेरे पास तो अभी मेटल भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है एक, वहाँ पे एक चल रहा है, यहाँ पे तो मेसिन ही ऑन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा था सर ने कह दिया कि नेक्स्ट दिन करने के लिए। अभी 11:05 एक घंटे के आसपास लगा, 50 मुझे लगा जॉब शीट लिखने के लिए, तो मेरे पास कुल मिला के 8 से अगर माइनस कर दूँ तो 7:10 टाइम है। नेक्स्ट दिन जब भी मैं जॉब बनाऊँगा मतलब प्रैक्टिकल करूँगा, 7:10 टाइम होगा। ये देखो यहाँ पर काम हो रहा है, इसका जॉब शीट लिखना बाकी है, काम चल रहा है अभी, जो हमारा मेन काम है। ये देखो ये है असली ड्राइंग, थ्रेड है, पेपर है और स्टेप टर्निंग है, नॉर्मल सा एक जॉब है। क्योंकि थोड़े बहुत टेंशन के चक्कर में मैं बैग ही भूल गया हूँ, वहाँ पे जहाँ पे हमारा जॉब सीट लिखा जा रहा है ना स्मार्ट रूम में, वहीं पे मेरा बैग रखा हुआ है, मैं लेना ही भूल गया हूँ। तब मुझे याद आया कब पता है, ये जब मैं घुसाने गया बैग में तब मुझे पता चला कि बैग तो वहीं पर है, बैग लाना ही मैं भूल गया, तो अभी बैग जाइए बैग लेके आता हूँ, फिर इसको रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पेपर एक ही मिलेगा और नेक्स्ट दिन जब काम करेंगे इसी से करना है। हमारा जो प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट का काम है वो अभी चल रहा है इस मशीन में, और ये वाला मशीन ख़राब हो गया है, यहाँ पे जिनका काम नहीं है वो लोग घूम रहे हैं इधर, ये देखो बस यही वाला मशीन सही से चल रहा है, उधर एक और मशीन है, चलो वहाँ पर चलता हूँ, उधर चलते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बीच में ये वाला मशीन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे मशीन बंद हो जा रहा है बीच बीच में, ये इसलिए बोल रहा है मुझे क्या था, उधर भी काम चल रहा है, 12 बज रहा है गाइस, और वेदर देखो क्या मस्त हो गया। और यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं हमारे बैच के, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, जिन लोगों का आज प्रैक्टिकल नहीं है वो लोग बैठे हुए हैं, और जिनका प्रैक्टिकल है उनका हालत खराब हो गया, मशीन में दिक्कत हो रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखो ऋतिक आ गया, इनमें से ऑलरेडी खराब हो गया, दो बाकी है, दो बाकी है, वो मैं खराब कर देंगे, देखो बहुत जल्दी, देख रहा हूँ काम नहीं करना है, एग्जाम नहीं देना है, मशीन खराब करना है, अलग ही टेक्निक है, अगर मशीन खराब हो गया तो एग्जाम ही नहीं होगा, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। देखो बारिश स्टार्ट हो गया, बहुत थोड़ा बहुत धीरे धीरे बारिश हो रहा है एकदम। वर्कशॉप में एक दो काम था, टूल ग्राइंडिंग करना था 2 का, तो वो टूल ग्राइंडिंग करते करते हाथ थोड़े से गंदे हो गए, वो कर दिया मैंने। अभी आज सेकेंड हाफ में 2:30 से हमारा भाईवा है, आधे स्टूडेंट्स का भी पता नहीं है कि उसमें मेरा नाम है कि नहीं, इसका भी नहीं है पता है, नहीं है अभी। बॉल बॉल विश्ती दीज भी मशीन में भी काम चल रहा है, जिन लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उन लोगों का काम चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो अभी मेटल कटिंग हो रहा है सारे स्टूडेंट्स के लिए मेटल कटिंग है। कितने भी टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 11 मेटल कटा हुआ था और 2-3 मेटल इधर उधर से मिल गया, तो 20 मेटल अभी भी काटना बाकी है। और मेसिनिस्ट के स्टूडेंट्स अभी मेटल काट रहे हैं वहाँ पे पावर सॉ में, यही तो पावर सॉ है अब हमारा वाला, वो साइड में उधर मेसिनिस्ट का है, हमारा वाला नया ठीक हुआ है, इससे पहले ये खराब था, ये वो शट डाउन ब्रेक आउट डाउन होकर बैठा हुआ था, अभी थोड़े दिन पहले सही हुआ है, अभी उसके बाद काम हो रहा है, वो इंद्रजीत कर रहा है यहाँ पर और मैं तो लिटरली घूम रहा हूँ। और इसको देखो, ये हेल्प कर रहा है, वो भी क्या पानी देके, इतने सारे एनसीबी, वो भी साइड में टेढ़ा कर गए, ऐसे उठाना ऐसे बंद करना है, वाह अलग ही लॉजिक में बैठा है। चलो मैं टिफिन लेके आया था थोड़ा बहुत, मेरी सारी मिल के खा लिए, तो अभी थोड़ा सा भूख लग गया, मैं और रोनित अभी बाहर जाऊँगा खाने के लिए कुछ, लेकिन बाहर बारिश हो रहा है इसीलिए अभी अंदर थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, बाहर बारिश रुकता है फिर निकलते हैं कुछ खा के आते हैं। अपना जो भाई था वो आज कैंसिल हो गया, कल होगा 12 बजे से, तो आज यहाँ पे देखो बाकी सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे और उधर सर के सामने हैं, अभी ग्रुप में जॉब बनाने के लिए बोल रहे हैं सर, क्योंकि सिंगल सिंगल करने में दिक्कत हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ग्रुप में जॉब करेंगे ऐसा सभी बोल रहे हैं, तो हम लोग भी वही करेंगे। अभी देखते हैं, मैं और रानी सोच रहा हूँ कि 5 बजे के बाद ख़त्म हो जाएगा इनका, मतलब विधान का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों कंप्लीट करके आज ही दे देंगे सर को जॉब, कल के लिए रखेंगे नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, 2 घंटे में काम हो जाएगा, क्योंकि थ्रेड तो मशीन में करना नहीं है, डाई में करना है, तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 5:30 से शुरू करेंगे तो 7:30-8 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, फिर सर को जमा करके फिर चले जाएंगे। आज आ चुका है, अंधेरा हो गया है, मतलब वर्कशॉप के अंदर, बाहर तो रोशनी काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी काम चल रहा है, इस मशीन में भी उधर भी, रोनित ने नया एक जॉब लगा दिया है और मैं भी एक लगाऊंगा, अभी पहले जो काम हो रहा था सुबह से वही ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी रूबिंग बाकी है और उसके बाद डाई से थ्रेड कटिंग बाकी है, उधर मशीनिस्ट भी काम कर रहे हैं। देखो आज सब प्रेशर में है, क्योंकि आज और कल 2 दिन हमारा प्रैक्टिकल का टाइम है, तो उसमें ख़त्म करना है, रूबिंग फ्यूल है मेरे पास, मैं ये ख़त्म करता हूँ जल्दी, उसके बाद नया एक जॉब लगाना है और आज रात तक काम होगा, 7:30-8 बजे तक काम होगा, जब तक ना मेरा वाला नया जो जॉब है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए वर्कशॉप, तब तक काम करेंगे। टोटल वर्कशॉप देखो खाली, बस वो सामने वहाँ पे सर है, वहाँ पे सर काम कर रहे हैं दोनों स्टूडेंट्स के साथ, यहाँ पे रोनित काम कर रहे हैं, वो सामने मशीन में मैं काम कर रहा था, अभी 3 जॉब अभी कंप्लीट करके देना, 7:30 बज चुका है, तो मेरा वाला तो ऑलमोस्ट 70% हो गया, 30% बाकी है, बस टेपर करना बाकी है और थ्रेड करना बाकी है, और रोनित का भी ऑलमोस्ट हो गया है, उसका भी 60% हो गया, मुझे अभी टूल ग्राइंडिंग करने जाना है और उसके बाद शॉप कम्प्लीट करना है, वो मेरा जॉब है, हाँ वो उसका जॉब है, ये वाला मेरा था, तो चेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया, दिक्कत यही है। तो बाहर का हालत देखो, ये देखो पूरा अंधेरा हो गया टोटली, तो ये आज जल्दी काम ख़त्म करता हूँ, बहुत ज़्यादा काम है और जल्दी काम ख़त्म करके घर भी जाना है, हाथ भी गंदे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिलहाल आज के लिए ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर तो लाइक करना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।